थाना बगाना क्षेत्र में 8 मई को हमारे पास सूचना आई थी, जिसमें डीबीएल कंपनी के कर्मचारी द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि जो जल जीवन मिशन में उनके द्वारा पाइप्स यूज किए जा रहे हैं उनकी चोरी हो गई है, जिस पर से थाने में कायमी करते हुए इसमें हम लोग जांच के लिए आगे बढ़े हुए थे। और विवेचना में आया कि उनके जो सब कॉन्ट्रेक्टर्स ने जो अपने आदमी रखे हुए थे, जिसमें नाम सबसे पहले आया था राहुल यादव का, और उसके साथ दो व्यक्ति का नाम आया था समय यादव और जितेंद्र यादव, जिन्होंने ये पाइप वहां पर सुपरवाइजरी साइट पे ये लोग काम करते थे, और इनके द्वारा जो है अलवर के अक्रम खान के साथ में मिलकर इन पाइप्स को चोरी करवाया, और इनको इन लोगों ने यहाँ से ले जाकर दिल्ली में बेचा है। दिल्ली में जिस व्यक्ति को बेचा है वो लवली आनंद उसका नाम है, और उसके द्वारा फिर फुटकर मार्केट में उन पाइपों को बेचा गया। इस पूरी कार्रवाई में टोटल 7 आरोपी पुलिस बगाना द्वारा इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, और करीब 105 पाइप इसमें बरामद किए हैं। एक हाइड्रा भी जब्त की गई है, एक आईशर्ट जब्त की गई है, जिसके द्वारा परिवहन करके ये पाइप्स लेके गए लिए ले जाए गए थे, और इसके साथ ही एक कार भी इसमें जब्त हुई है। तो बड़ा मामला था, जिसमें थाना बगाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें कायमी कर और जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की है।